नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे बिहार। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएए लागू होने पर कहा कि पीएम मोदी ने अपना कमिटमेंट पूरा किया है और यह मोदी की गारंटी है। तो वहीं विपक्ष ने आरोपों पर कहा कि 95% संकल्प बीजेपी ने पूरे किए हैं। देखिए, एक ऐतिहासिक फैसला है। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था जो अल्पसंख्यक समाज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में है, उनको भारत में वापस जगह देने की जरूरत थी। सिटीजनशिप एक्ट के तहत वो भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट पूरा किया है, क्योंकि यही है मोदी की गारंटी कि एक एक जो हमारे लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में थे वो वापस आए हैं, तो उनको जरूर हम अपने हम महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि 10 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया, इसीलिए सीए है और इस तरह कानून लागू कर रहे हैं। 2019 में 234 संकल्प लिए गए थे, 222 पूरे हो गए थे, 223वां कल हो गया। बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने सीएए पर कहा कि यह कानून नागरिकता देने का है और भारत के किसी भी नागरिक को इस कानून से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने पलटवार किया। विपक्ष घरियाली आंसू बढ़ा रहा है। मेरा ये मानना है कि आज सीए के माध्यम से लाखों जो हिंदू, सिख, इस आपको जैन, बुद्धिस्ट जो देश के बाहर अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे थे, आज उनको एक सम्मानजनक जिंदगी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके लिए तो सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको गर्व होना चाहिए कि आज जिस प्रकार से भारत के अंदर अल्पसंख्यक को सम्मान मिलता है, लेकिन भारत के बाहर जो अल्पसंख्यक बहुत बुरी स्थिति में है, आज उनको सम्मान मिलने जा रहा है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने देश भर में सीएए लागू होने पर खुशी जताई, वहीं विरोधियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इसका विरोध वही लोग कर रहे जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। सीएए कानून उन हिंदू, सिख एवं अन्य अल्पसंख्यक, जिसमें ईसाई भी हैं, जिसमें बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, जो भारत पाकिस्तान, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में है, जिनकी सुरक्षा, जिनका अस्तित्व खतरे में है, उन्हें भारत संरक्षण, सुरक्षा और एक तरह से शरण दे रहा है, उन्हें भारत की नागरिकता दे रहा है। इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत में जनसंख्या के आधार पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना देना चाहते हैं। तो वही आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने सीएए पर बयान देते हुए कहा कि बीजेपी से देश की जनता अब उब चुकी है। 4.5 साल पहले सीए लाया गया, फिर भी इतने दिन बाद अधिसूचना क्यों? किस बात का बीजेपी को डर था? उन्होंने कहा कि आज देश में मोदी बना मुद्दा की लड़ाई है। देश को सौगात दी है देश के प्रधानमंत्री ने, महंगाई का बड़ा, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, आम जीवन में उपयोग आने वाले सभी वस्तुओं की कीमत तस्मात छू गई, ये सौगात है क्या? दर-दर के ठोकरे खा रहा है नौजवान, जुमला करार दिया अपने बच्चों को, ये सौगात नहीं हो सकता। अगर देश कर्ज में डूबता जा रहा है, 63 लाख करोड़ के बजाय 173 लाख करोड़ अगर देश पर कर्ज हो गया, जो 70 साल में कर्ज वहां तक पहुंचा था, अपने 10 साल में पहुंचा दिया, दुगना से ज्यादा। इधर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि सीए कानून को लागू किया गया है क्योंकि बीजेपी मूल विषयों से ध्यान भटकाने में माहिर है। चुनावी बॉन्ड के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खूब खिंचाई की है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश को बता दिया कि भाजपा किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जा में रखने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत SBI बैंक ने इलेक्टर बॉन्ड के बारे में समय मिलने के बावजूद भी माननीय न्यायालय के पास प्रस्तुत नहीं किया। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आज के बारे में, कि आज शाम तक, कार्य अवधि तक इलेक्टर बॉन्ड का डिटेल चुनाव आयोग को बताएं, जो
किन किन दलों ने इलेक्टर बॉन्ड खरीदा, किन किन उद्योगपतियों ने किन किन दलों को पैसा और कितना दिया,